जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है। ये शहर आयुध कारखाने और सैन्य बलों का एक बड़ा कैंटोनमेंट होने के कारण इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है। पवित्र नर्मदा नदी, भेड़ा घाट, धुंधार जलप्रपात, कान्हा, बांधवगढ़ और पीच के प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों के कारण कई पर्यटक और श्रद्धालु दुनिया भर से जबलपुर की ओर आकर्षित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विजन को साकार करते हुए जबलपुर क्षेत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार दिया है। जबलपुर शहर के आर्थिक और सामरिक महत्व को समझते हुए आज 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 112 किलोमीटर लंबी 4 लेन विद सर्विस रोड एक्सेस कंट्रोल के साथ जबलपुर रिंग रोड का शिलान्यास किया जा रहा है। जबलपुर शहर में सभी दिशाओं से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग आकर मिलते हैं, जिससे भारी वाहनों के कारण शहर में लंबा ट्रैफिक जैम लगा रहता था और एक्सीडेंट के प्रमाण भी बहुत ज्यादा थे। इससे निजात पाने के लिए और विकास के साथ ही सुविधा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 112 किलोमीटर लंबी 4 लेन विद सर्विस रोड जबलपुर रिंग रोड बनाई जाएगी। इस पर 8 मेजर ब्रिज, 7 फ्लाईओवर, 38 माइनर ब्रिज, 1 वेहिकुलर ओवरपास, 30 वेहिकुलर अंडरपास, 1 वायाडक्ट और 3 आरओबी बनाए जाएंगे। चिन्हित की गई जगह पर 2,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। अंतरराज्यीय शिपमेंट्स के ट्रांजिशन और चैनलाइजेशन के लिए 2 स्थानों पर लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जाएगा। भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी पर अतिशय सुंदर आइकॉनिक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज, रोपवे व रिसोर्ट भी प्रस्तावित है। ये रिंग रोड देश के सबसे लंबे रिंग रोड्स में से एक होगा। ये रिंग रोड एक लिमिटेड एक्सप्रेस वाला राजमार्ग होगा। नो एंट्री टाइम के बाद शहर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे